अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है, और दवाई दी है लेकिन वो भी मेरे को समझ नहीं आ रही है फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरे ब्लॉक कोई डॉक्टर देख रहा हो या किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम हुई हो, मेरे कमर के आधे हिस्से में, मतलब मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों से कहा था कि मैं बताऊंगी कि अल्ट्रासाउंड में क्या आया है, तो अल्ट्रासाउंड मेरा और जो मेरी मेरा एक्सरे हुआ है रीढ़ की हड्डी का पीछे कमर वगैरह का, तो वो भी हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुधा रावल, सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ से फिर से आपके साथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो और दूसरा है आज तुलसी विवाह, तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं तुलसी विवाह की। और आज मैं सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ, मैं ऑफिस जा रही हूँ, और सच बताऊँ तो मैं अभी भी, मतलब जिसको बोलते हैं, फिट नहीं हूँ, क्योंकि जो भृण ने काटा था मुझे, वो भृण ने भी नहीं काटा था वैसे, मुझे सच बताऊँ कुछ और ही हो गया था, लेकिन मुझे लगा कि भृण ने काटा, तो इसलिए मैंने वही वाला कोर्स पूरा 1 वीक किया, लेकिन उससे कोई मुझे फर्क नहीं पड़ा। और मैंने अल्ट्रासाउंड और अपनी अल्ट्रासाउंड और एक्सरे करवाया है, तो वो मैं आप लोगों को शाम को दिखाऊंगी। अभी थोड़ा लेट हो रही हूँ, ऑफिस जा रही हूँ, तो कल भी ऑफिस गई नहीं मैं, सारा दिन ही इन्हीं चक्करों में पड़ी रही, कभी कोई टेस्ट करवा रही हूँ, कभी कुछ करवा रही हूँ, तो उसमें क्या आया वो मैं शाम को आप लोगों को दिखाऊंगी। और दूसरा, मतलब मैं क्या करूँ, थोड़ा आप लोगों ने भी मुझे बताना है। मैं वो पहले आप लोगों को रिपोर्ट्स दिखाऊंगी, फिर आप मुझे बताना कि मुझे क्या करना चाहिए। वैसे डॉक्टर ने मुझे वैसे दवाई दी हुई है, तो मैं वो खा रही हूँ अभी भी, तो मुझे ये लगता है कि एक बार मैं इसको भी खा के देख लेती हूँ, क्या पता इससे मुझे कोई फर्क पड़ जाए। और आज मैं थोड़ा सा तैयार हो गई हूँ, क्योंकि रोज ना अजीब सी शक्ल लेके मैं ऑफिस जा रही हूँ और अजीब सी शक्ल लेके घर में घूम रही हूँ, तो घर वाले भी परेशान हैं, मम्मी पापा परेशान हैं, मेरे पतिदेव परेशान हैं, वो बेचारे, एक्चुअली क्या होता है ना, घर की औरत अगर बीमार हो जाए ना तो सारी फैमिली परेशान हो जाती है। तो आज मैंने सुबह सुबह रावत जी को भी बोला कि मैं ठीक हूँ, मम्मी पापा को भी बोला कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ताकि उनको भी ज़्यादा टेंशन ना हो, क्योंकि मतलब होता ही है, पापा तो रोज़ आके सबसे पहले ये पूछते हैं, सुधा तू ठीक है? तो अच्छा लगता है ना, बड़े बुजुर्ग, मतलब घर के बड़े पूछे तो अच्छा लगता है। दूसरा, मतलब फिट तो मैं अभी भी नहीं हूँ, मेरे को एकदम, मैं मतलब रात को मुझे रोना आ जाता है कि हुआ गया मुझे, लेकिन चलो एनीवेज, फिर भी आज मैं थोड़ा सा फिट दिखा रही हूँ अपने आप को। और देखो, आज मैंने मंगलसूत्र पहना है, इसके साथ का ही सेट है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था, ये ऐसा कुछ है, और ये देखो ये पहन के जा रही हूँ मैं, आज लक्ष्मी विवाह है, तो मैं शायद आज, शायद क्या, मैं जा भी इसीलिए रही हूँ, मैं सेक्टर 20 जाऊँगी आज, तो वहाँ पर भी देखो तुलसी विवाह में क्या आज कुछ स्पेशल होगा सेक्टर 20 में, तो वहाँ भी जाऊँगी। पहले ऑफिस जाती हूँ, पहले करती हूँ ऑफिस के काम, क्योंकि ऑफिस के बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बहुत दिनों से पेंडिंग है। इन द इवनिंग, हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। ऑफिस से फ्री होने के बाद मैं आई हूँ सेक्टर 20, गुगा माड़ी मंदिर और लक्ष्मी नारायण मंदिर, और यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि आज लक्ष्मी, आज मैं यहाँ पर दिखाती हूँ आप लोगों को कि आज तुलसी विवाह के दिन यहाँ पर किस तरह से तैयारियाँ की गई थी और अभी क्या चल रहा है। तो सबसे पहले मैं जाती हूँ, आज ट्यूसडे है तो मैं पहले मत्था टेकूंगी, पहले जाऊंगी मैं हनुमान जी को मत्था टेकने। और यहाँ देखिए सेक्टर 20 गुगा माड़ी मंदिर, तुलसी शालिग्राम विवाह समारोह। यहाँ से मैं आ गई हूँ मत्था टेक के, और ये देखिए लक्ष्मी नारायण में बारात आई है बकायदा शालिग्राम जी की, ये देखिए। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा, ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुर्गा।
फूल चढ़ा रहे हैं माता रानी को, यहाँ फेरे हो रहे हैं फ्रेंड्स। हाय फ्रेंड्स, मैं घर पहुंच गई। जैसे कि आपने देखा, आज तुलसी विवाह हुआ। बहुत ही मैं बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे पहुंची थी मंदिर। मुझे तो लगा था हो चुका होगा, लेकिन मैंने बारात आते देखी, दुल्हन आते देखी, फेरे देखे, सब कुछ जो भी रीति रिवाज होते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिकली शादी हुई थी। और बस अब मैं घर पहुंच गई हूँ। और अभी भी ना सिर इतना दुख रहा है मेरा, सिर भी दुख रहा है, और पेट में जो भी मेरी प्रॉब्लम है वो कम नहीं हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है। मैंने मॉर्निंग में भी आप लोगों से कहा था कि मैं बताऊंगी कि अल्ट्रासाउंड में क्या आया है, तो अल्ट्रासाउंड मेरा बिल्कुल नॉर्मल आया, सब कुछ नॉर्मल आया है। और जो मेरा एक्सरे हुआ है रीढ़ की हड्डी का, पीछे कमर वगैरह का, तो वो भी बिल्कुल ठीक आया है। उसमें थोड़ा 19-20 का बताया, बट वो भी फिजियोथेरेपी से नॉर्मल हो जाता है। मेरे को उन्होंने बताई वो घर पे ही करनी होती है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम हुई है, और दवाई दी है लेकिन वो भी मेरे को समझ नहीं आ रही है फ्रेंड्स। अब मुझे क्या करना चाहिए? अगर मेरे ब्लॉक कोई डॉक्टर देख रहा हो या किसी को इस टाइप की प्रॉब्लम हुई हो, मेरे कमर के आधे हिस्से में, लेफ्ट साइड से लेके पीछे कमर से लेके और टमी का नाभि से नीचे वाला भाग, और साइड वाला ये वाला पोर्शन सारा, ये बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। और ऐसा दर्द है जैसे मधुमक्खी जब काटती है ना, झन्नाट सी होती है, उस टाइप का दर्द है। कभी इधर हो रहा है, कभी पीछे हो रहा है, कभी ऐसे नीचे जा रहा है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। बाकी अभी मैं मे बी कुछ और कहीं से सजेशन लूँ, फिलहाल तो ठीक नहीं है फ्रेंड्स। फिलहाल तो मैं ठीक नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी, हर टाइम दिमाग उसी में जा रहा है कि मेरे को ये हो रहा है, ये हो रहा, और समझ भी नहीं आ रहा है कि कौन से डिपार्टमेंट में। अभी कार्ड बना रहे थे हम लोग ऑनलाइन, बट समझ ही नहीं आ रहा कि कौन से डिपार्टमेंट में जाया जाए। तो अगर किसी को पता हो इस टाइप की प्रॉब्लम तो ज़रूर सजेस्ट करें। और बाकी फ़िलहाल मैं इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ दोस्तों। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें दोस्तों। फिर से मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, सी यू सून।